हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की गर्मियों की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई। इसे बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इसे हम बनाते हैं। ये पोशाक 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, तो मैंने इसका ये घेरा 8 इंच का ये घेरा लिया है। बीच में मैंने इसमें 2 इंच सेंटर में गोला बनाया जिसमें हमने चोली को अटैच किया। इसे बनाने के लिए मैंने पोशाक बनाने के कपड़े आते हैं जो मैंने 2 कलर के कपड़े लिए, इनकी मैंने 3-3 इंच की पट्टियाँ काटी, तो फिर मैंने इस पोशाक को बनाया और इस तरह की स्टोन चैन की पट्टी से इसे मैंने डेकोरेट किया। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पोशाक को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 2 कलर की पट्टियां काट लेते हैं। इस तरह की हम ये 2 कलर की पट्टियां काट लेते हैं। ये पट्टियां मैंने 2.5 इंच के लिए, 2.5 इंच की ये दोनों पट्टियाँ काट लेते हैं। इस तरह हम ये सभी पट्टियाँ काट लेते हैं। ये सभी पट्टियाँ काट ली हैं। अब इन सभी पट्टियों को मैं आपस में इस तरह दोनों दो दो पट्टियों को आपस में इस तरह सिलाई कर लेते हैं। अब सभी पट्टियों को आपस में मैंने इस तरह सिलाई कर ली। फिर सभी पट्टियों को मैंने सिल लिया है। हम पट्टी के दोनों मुंह को पकड़ के इस तरह फोल्ड कर लेंगे। हम पट्टी को इस तरह फोल्ड करके दोनों मुंह को हम सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह हम कर लेते हैं दोनों को। इस तरह हम दोनों पट्टियों को कर लेते हैं। इस तरह हमने दोनों पट्टियों के मुंह को सिक्योर कर लिया है। अब इन पट्टियों को हम इस तरह हम फोल्ड करेंगे। इस तरह हम फोल्ड करेंगे, चाहे तो हम ये सुई धागे से कर सकते हैं इस तरह, या फिर हम सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। इस तरह हम दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह हम दोनों पट्टियों में प्लेट्स डाल लेते हैं। अब हम एक टेट्रोन का गोल पीस लेते हैं। ये मैंने 8 इंच का गोला लिया। इस टेट्रोन के पीस पे मैं दोनों तरफ ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। बुकरम को मैंने दोनों तरफ से कपड़े से पेस्ट कर लिया है। ये हमारा 8 इंच का घेरा बनाया था। बीच में मैंने इसमें 2 इंच कटिंग की। अब इसके ऊपर हमने जो अपनी पट्टियां बनाई थी, इन पट्टियों को ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करते हैं। शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ये आगे का हिस्सा हम यहाँ पे पेस्ट करके छोड़ देते हैं, जिसे अगला मुंह हम इसमें आके बंद करेंगे। इस तरह हम इसमें यहाँ पे इस तरह पेस्ट करते जाते हैं।
तरह हम पूरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इसके हम लास्ट में आ गए। लास्ट में आने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हैं जो इसके हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई को खोल लेती हूँ। मैंने इसको यहाँ से इस तरह एक्स्ट्रा काट लिया। एक्स्ट्रा काटने के बाद इस वाले मुंह को मैं अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देती हूँ। हल्का सा गम लगा के इसमें यहाँ से फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड कर दिया। अब इस वाले के इस मुंह को मैं इसके अंदर इस तरह डाल के इसको ग्लू गन से चिपका देती हूँ। इसे यहाँ पर से पेस्ट कर देती हूँ। ये हमारे दोनों मुंह आपस में बंद हो जाते हैं। बचे हुए इससे वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे प्लेट डालते हुए इसे हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। इस तरह हमारी एक ही रो कंप्लीट हो जाती है। हम अपने सेकंड रो लगाते हैं। सेकंड रो भी इसी तरह से लगाएंगे हम। इस तरह इसमें यहाँ पे सेकंड रो लगा लेते हैं। हम अपने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब वापस से हम थर्ड रो बनाएंगे जो हमारा पहले कलर लगाया था वो कलर लगाएंगे। इसमें हम थर्ड रो बनाते हैं। शुरू में आगे से वो एक खुला छोड़ देते हैं मुंह को। हम अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो के बाद हम ये फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने फाइव रो कंप्लीट कर ली। इस तरह सभी रो कंप्लीट हो गई। अब सेंटर में इस तरह का हम एक चौड़े गोटे की पट्टी लेते हैं, उसको सेंटर में लगाते हैं। आगे से इसका इस तरह मुंह फोल्ड करके इस तरह पूरे गोले पे ये लगा लेते। इस तरह पूरे राउंड में मैंने लगा लिया। अब इसको इस तरह पीछे फोल्ड करके इस तरह पीछे फोल्ड करके पूरे को चिपका लेते हैं। अभी हमारा घेरा पूरा हो गया। मैंने इसे दोनों तरफ से पेस्ट कर दिया। अब चोली बनाने के लिए मैंने ये हमने ये लाइट कलर का जो कपड़ा लिया था उसकी 1.5x10 की एक ये पट्टी काट ली। इसको मैंने डबल कर लिया है। अंदर से इसमें सिलाई लगा ली। अब इस पट्टी के ऊपर हम ये दूसरे कलर की साइड में हम पट्टी से सिलाई कर देते हैं। इस पट्टी के ऊपर हम दूसरे कलर की इस तरह इस पर सिलाई लगा लेते हैं। पहले इस तरह से इधर सिलाई लगा लेती हूँ मैं पूरे पे। अब इसको इस तरह फोल्ड करके पीछे की तरफ
दूसरी सिलाई लगा लेती हूँ, इस तरह मैं इसमें दोनों सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह ये दोनों पट्टियों के मैंने दूसरे कलर की पट्टी लगा ली। इस तरह हमारी ये चोली भी तैयार हो जाती है। अब इसमें हम इस तरह इसके दो पीस कर दें, यहाँ से ग्लू गन से इसे चिपका लेते हैं, इसे चोली से घेरे से अटैच कर देते हैं। दोनों पट्टियों को अब हम इस स्टोन चैन से डेकोरेट करते हैं। इस तरह की ये पट्टी वाली स्टोन चैन लेते हैं। ये मैंने चार लाइनें ली हैं, इधर से चार लाइनें, इस तरह मैं इसका ये एक स्क्वायर काट लेती हूँ। इस तरह से इसका एक स्क्वायर काट लेते हैं। ये स्क्वायर में पट्टी के ऊपर लगाऊंगी। सबसे पहले मैं एक सेंटर में लगाते हैं, फिर दूसरा इसके पास में लगा देते हैं। यहाँ पे एक और लगा देंगे, एक इधर एक इधर, इस तरह में ये सभी लगा लेते हैं। इसी के हमें एक सिंगल पट्टी लेते हैं जो इनके साइड में इस तरह लगा देते, नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ दी। इस तरह मैं इसको लास्ट तक चिपका लेती हूँ और दोनों पट्टियों को पूरा कर लेती हूँ। मैंने दोनों पट्टियां तैयार कर ली है चोली की। हम चोली को यहाँ से इस तरह आगे से जोड़ देते हैं। अब इसे हम घेरे से अटैच कर देते हैं। दूसरी तरफ से भी हम चोली को घेरे से चिपका देते हैं। हमारी ये चोली घेरे से लग जाती है। हमारी ये चौकोर पीस है जो लास्ट वाली फर्स्ट होती है उसके ऊपर हम लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम लगाते हैं। हमने ये चारों तरफ लगा ली। अब इस तरह की हम तीन की पट्टी लेते हैं, इधर से 10 लाइन लेते हैं। हम इन दोनों के बीच में थर्ड रो है उसके ऊपर से हम इस तरह यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों के बीच में लगा,
में एक सिंगल पट्टी लेते हैं, सिंगल पट्टी को इन दोनों के बीच में लगाते हैं। जो हमने ये तीन तीन की पट्टी लगाई है, इन दोनों के बीच में हम एक सिंगल पट्टी को लगाते हैं। हम पूरी ड्रेस को डेकोरेट कर लेते हैं। इस तरह हमने पूरी पोशाक को स्टोन चैन से डेकोरेट कर लिया। पूरी होने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरह की बनती है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।